कि फूलों का दिल जले तो गुलदान रो पड़े, फूलों का दिल जले तो गुलदान रो पड़े, आबरू किसी की लूटे तो इंसान रो पड़े। बस ऐसी वातावरण हो मेरे देश में ऐ देशवासियों कि हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। लेकिन तालियां वैसा नहीं बजा जैसा बजना चाहिए। माने हम शुरू से बहुत दिन से आ रहे हैं ना, इसीलिए लग रहा है कि जो मेरे उम्र के लोग थे वो बूढ़े हो गए, तालियां कमजोर हो रही। यार मैं कहूंगा कि जोश कम पड़ जाए तो बुढ़ापे की निशानी है, और अगर 60 में भी आप में उमंग बाकी है तो समझो वहीं पे जवानी है। जोरदार तालियां हो जाए, जबरदस्त। और इसी के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। एक बार मैं चाहूंगा मेरे लिए कलाकार के लिए जब जब कार्यक्रम होता है यहाँ आपने हमेशा कलाकार के ताली बाजी है यार, हर बार इस काली पूजा समिति ने आपके लिए कलाकारों का जमघट को बदल बदल कर आपके मनोरंजन के लिए हमेशा बदल बदल कर आपके एंजॉय के लिए एक रात हमेशा यादगार बनाने के लिए मेहनत करते हैं। एक बार काली पूजा समिति के लिए आप सभी मर्दों वाली तालियां बजाएं और जोरदार बजाएं, जोरदार तालियां। अच्छा एक मिनट थाम ना यार, हम जानी तबीयत से बजे माय बहन तो ना झगड़ा बोला कमेटी वाला सब। ए बाप को ताली काहे ना बजवे, चूड़ी ना के फुट तो बजा बजा माय बहन सब, ताली ना बजला मजा नहीं तो बजा जोर से। हाँ तब माय बहन का आशीर्वाद के बिना कोने काम शुभ ना हो, तब बुझे ना सुझे यार मासी रकम लुझे के। आइए आगे चलेंगे इसी शब्द के साथ कार्यक्रम का खूबसूरत शुरुआत। और शुरुआत में कहा जाता है कि जिस कार्यक्रम का शुरुआत करना हो तो माँ के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके यानी भगवान के नाम के साथ, और जो सारे जगत की जगत मैया है उसी के साथ यानी कुछ खूबसूरत सी यादें, उन पुराने शब्दों को फिर एक बार पिरोता हुआ जो हमारे शब्दों में हमारे जहन में हमारे दिलों में हमारे जिंदगी में एक नई रोशनी एक नई चराग पिरोकर रोशन करती है। आइए खूबसूरत से भजन के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि मुझे मालूम है कि पाप के पथ पे पुण्य का मकाम हो नहीं सकता, पाप के पथ पे पुण्य का मकाम हो नहीं सकता, और जग में कभी तेरा ऊंचा नाम हो नहीं सकता। ए रावण तू विद्वान था मगर फिर भी पापी था, तू 7 जन्म ले ले मगर मेरा भगवान राम हो नहीं सकता।